नमस्कार दोस्तों, कैसेग्रेन.com में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट विषय के बारे में, और वो विषय है दोस्तों पैन कार्ड के बारे में। तो दोस्तों पैन कार्ड के बारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, पिछले कुछ समय पहले ऑप्शंस नहीं थे कि दोस्तों हम लोग ऑनलाइन जो है वो दोस्तों पैन कार्ड जो है वो प्राप्त कर सकें, यानी ऑनलाइन जो है वो पूरा का पूरा प्रोसेस कर सकें, ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरा जा सकता था। लेकिन दोस्तों आपको जो है उसके लिए उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है दोस्तों मेल करने पड़ते थे, यानी कि आपको जो है वो उन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपने पोस्ट ऑफिस में जा करके जो है वो पोस्ट करना पड़ता था। और उसके साथ साथ दोस्तों हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी दोस्तों वो ये कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन करके हमें जो है वो अपलोड भी वेबसाइट पर करने होते थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही आधार कार्ड ने सारी जगह पकड़ कर मजबूत करनी शुरू की है, उसके बाद से दोस्तों आप सिर्फ अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर और अपने आधार कार्ड के जरिए जो है वो दोस्तों आसानी से अपने पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है वो दोस्तों आपका पैन कार्ड आपके पास पहुंच जाएगा। इसके लिए खास जरूरत है दोस्तों आपका आधार कार्ड होना, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस। और आपका मोबाइल नंबर दोस्तों आपके आधार कार्ड से लिंक जो है वो होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज आप जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लाइक करेंगे तभी जो हम इस तरह की जानकारियां आप तक जो पहुंचा सकेंगे। साथ के साथ दोस्तों आपको वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, तो दोस्तों आप उस सब्सक्राइब बटन को अभी के अभी दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आपको जो है वो इस तरह की खास और इंटरेस्टिंग जानकारियां बिना किसी खर्च के आपके पास जो है वो पहुंचती रहे। तो अभी के लिए दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी जो है दोस्तों कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों हम सीख लेते हैं कि आप जो है वो ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आप जो है वो अपने इंटरनेट ब्राउजर में चले जाइए, उसके अंदर जो है दोस्तों आपको लिखना होगा APPLY, अप्लाई ऑनलाइन फॉर पैन। तो दोस्तों आप जो है वो लिख लीजिए अप्लाई ऑनलाइन फॉर पैन। यहां पर दोस्तों आपको जो है वो एक वेबसाइट मिलेगी, अप्लाई ऑनलाइन फॉर पैन कार्ड NSDL। तो दोस्तों आप जो है इसको चूज कर लीजिए। जैसे ही दोस्तों आप इसको चूज करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है दोस्तों ओपन होने वाला है। आपसे दोस्तों आपको जो ऑप्शन चूज करना है यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन। अगर दोस्तों आप जो है वो एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर सारे काम जो है वो फास्टली करने होंगे एक प्रोसेस के बाद। और दोस्तों अपना ईमेल एड्रेस देना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आपके ईमेल एड्रेस पे आपको एक टोकन जो है वो दोस्तों सेंड किया जाने वाला है। तो अभी दोस्तों हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो हम इसको चूज किए रखेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे अपना जो है वो एप्लीकेशन टाइप। तो दोस्तों आप नया बनवा रहे हैं तो आपको क्लिक करना है पैन कार्ड न्यू। और ये दोस्तों आप इंडिया के सिटीजन है यानी इंडिया के रहने वाले हैं, तो दोस्तों आप ऊपर वाला जो चूज कर लीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों आप जो है वो नए पैन, अगर फॉरेन सिटीजन है आप बाहर के रहने वाले हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं ये वाला फॉर्म। और दोस्तों अब अगर आपके पैन कार्ड में कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो अभी आज हम बता रहे हैं नए पैन कार्ड के बारे में। अगर दोस्तों आप करेक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन में आपको एक वीडियो देने वाले हैं, वहां से आप सीख सकते हैं कि कैसे जो है आप कोई चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों चूज कर लेते हैं न्यू पैन। यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी है, तो कैटेगरी के लिए दोस्तों हमें इंडिविजुअल सर्च सेलेक्ट करना है, अगर हम खुद के लिए बनवा रहे हैं या फिर दोस्तों हम लोग जो है वो किसी कंपनी या फिर किसी ट्रस्ट के नाम बनवा रहे हैं तो नीचे वाले ऑप्शंस को चूज करना होगा। तो हमारा दोस्तों है इंडिविजुअल, तो हम उसको चूज कर लेते हैं। नीचे ऑप्शन है दोस्तों आपके नेम के लिए, तो यहाँ पर आप जो दोस्तों आप किसके नाम से बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है उनका नाम लिख दीजिए जिसका भी आप बनवाना चाहते हैं। आप कुमारी है अगर मतलब मैरिड नहीं है तो कुमारी यूज कीजिए, मैरिड है तो SMT। और दोस्तों अगर आप मिस्टर हैं यानी मेल हैं तो दोस्तों आपको जो है वो श्री यूज करना है। तो मैं किसी SMT के नाम से जो है वो किसी फेमिलियर का जो है वो दोस्तों बना रहा हूँ तो SMT यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों लिखना है उनका सर नेम, यानी दोस्तों आपको जो दूसरा नेम है यानी आपको उनका पहला नेम जो है वो दोस्तों यहाँ पर लिखना है और दूसरा नेम यहाँ पर लिखना है। ये बात दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, आपको पहला नाम यहाँ पर नहीं लिखना है। सोच लीजिए किसी का नाम है सोनू कुमार, तो दोस्तों आपको कुमार यहाँ पर पहले लिखना है और सोनू जो है वो बाद में लिखना है। तो मैं लिख लेता हूँ और पहला आखिरी नाम और दूसरा नाम जो है दोस्तों मैं लिख लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप आखिरी नाम और पहला नाम जो है दोस्तों एंटर कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपकी पूछा जाता है आपसे डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप दोस्तों एग्जैक्टली आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर कर लीजिए। तो मैं जो है वो दोस्तों एंटर कर लेता हूँ। पहले सबसे पहले आप ईयर को चूज कर लीजिए, आपका जो साल है दोस्तों
जैसे कि मैं आपको बिल्कुल दिखा रहा हूँ सामने दोस्तों, मैं जो चाहता हूँ 91, तो दोस्तों मैं जो है वो 91 एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद जो दोस्तों कौन सा मंथ है तो मंथ चूज़ कर लेता हूँ, तारीख कौन सी है दोस्तों उसको चूज़ कर लेते हैं। वन सेकेंड, यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो चूज़ कर लेते हैं तारीख को, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, दोबारा से जो वो दोस्तों आ गया है 91 अक्टूबर और 30, 30 अक्टूबर दोस्तों मैं चूज़ कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ देखिए दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर एग्जैक्ट आ जाएगी दोस्तों, आप उसको एक बार चेक भी जो है वो कर लीजिए। ईमेल एड्रेस की बात है दोस्तों, वहाँ पर जो है वो आप अपना ईमेल एड्रेस भी जो है वो बिल्कुल अच्छे से भर दीजिए। जो भी ईमेल एड्रेस दोस्तों आप यूज़ करना चाहते हैं वो एंटर कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको बात है मोबाइल नंबर की, तो आप मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। मोबाइल नंबर एंटर कर लीजिए दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ कैप्चा कोड दिखेगा, आप वो बिल्कुल उसको ऐसा का ऐसा जो है वो नीचे वाले बॉक्स में टाइप कर दीजिए और सबमिट पे जो दोस्तों क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करते हैं सबमिट बटन पे, आपके सामने दोस्तों होती है प्रोसेसिंग और आपका यहाँ पर जो है वो एक टोकन नंबर जो है वो दोस्तों जनरेट हो जाता है। तो टोकन नंबर जनरेट होने के बाद दोस्तों आपको जो है वो अपने टोकन नंबर को सेव रखना है अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल में, और दोस्तों आपको ईमेल के जरिए भी जो है वो दोस्तों ये टोकन नंबर सेंड किया जाएगा। अगर आप फटाफट इस काम को नहीं करेंगे तो दोस्तों आपका जो है टोकन नंबर की आपको इसलिए ज़रूरत होगी क्योंकि दोस्तों आपको दोबारा से वहां पर लॉगिन जो है वो किया जाना हो सकता है, क्योंकि आपका जो है वो बीच में आपको कहा जा सकता है कि आपका सेशन एक्सपायर हो गया है। तो दोस्तों अभी हम लोग क्लिक कर देते हैं कंटिन्यू विद पेन एप्लीकेशन। दोस्तों यहां पर जो है वो हमें कोशिश करनी है कि बिल्कुल फास्ट फास्ट जो है वो हम सारा काम कर लें। तो दोस्तों सबमिट डिजिटली थ्रू के ई केवाईसी साइन इन प्रोसीजर, तो हम दोस्तों यहीं पर चूज करेंगे। अगर कहीं और चूज करेंगे तो दोस्तों हमें जो यहां से डॉक्यूमेंट्स को जो है वो सेंड करना होगा। तो अब दोस्तों हम नीचे चले जाते हैं बिल्कुल, यहाँ पर दोस्तों हमसे जो है वो आधार नंबर पूछा जाएगा हमारा, तो हम दोस्तों एंटर कर देते हैं हमारा आधार नंबर, पूरा का पूरा अपना आधार नंबर जो है वो दोस्तों एंटर कर लीजिए। अपना आधार नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों आपको जो है वो अपनी नीचे दी गई डिटेल्स को चेक कर लेना है एक बार फिर से, और दोस्तों यहाँ पर आपको जेंडर जो है वो चूज करना होगा, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। रजिस्टर्ड नंबर जो है वो दोस्तों आपका वही होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, क्या आप किसी और नाम से जाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप नो कर दीजिए इसको। अब दोस्तों पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, तो फादर्स नेम कर दीजिए दोस्तों आप, फादर्स नेम जो है वो इवन मैरिड वोमेन शुड फिर फादर नेम, तो दोस्तों अगर आप मैरिड भी हैं तो भी जो है वो दोस्तों आपको जो है वो अपने पिताजी का नाम ही यहाँ पर जो है वो एंटर करना होता है। तो दोस्तों अपने पिताजी का नाम जो है वो दोस्तों एंटर कर लीजिए। मदर नेम जो है वो दोस्तों ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहें तो भरते हैं, अगर ना भरना चाहें तो आप ना भरें। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपसे आगे पूछा जाएगा कि आपकी इनकम क्या है, तो आप दोस्तों अगर इनकम नहीं है तो नो इनकम, वरना सैलरी है तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी है जो भी है दोस्तों वो आप चूज़ कर लीजिए। आपकी जो है वो एड्रेस इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, तो दोस्तों जो आपका आधार प्रूफ जो होगा दोस्तों, आपका आधार का जो ऊपर एड्रेस दिया है दोस्तों, वो अगर आप यही रखेंगे तो दोस्तों आपका जो है वो वही रहने वाला है, और उसके ऊपर जो है वो बाय पोस्ट यानी डाक के द्वारा जो है वो आपका पैन कार्ड आप तक जो है वो पहुंच जाएगा। अब बिल्कुल नीचे की तरफ चले जाइए दोस्तों, आपको वहां पर पूछा जाएगा आपके जो है वो टेलीफोन या मोबाइल नंबर के बारे में, तो आप दोस्तों आप सबसे पहले पूछा जाएगा आपको अपने कंट्री के बारे में, तो आप अपनी कंट्री जो है वो इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपका एरिया कोड आपसे पूछा जाएगा अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो उसको खाली जो है वो आप छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों आप बिल्कुल नीचे चले जाइए, आपका मोबाइल नंबर ऑटोफिल भी हो सकता है, अगर यहाँ पर दोस्तों आपका मोबाइल नंबर एंटर ना हो तो आप अपना मैन्युअली जो है वो दोस्तों एंटर कर दीजिए। इसके बाद नीचे चले जाइए बिल्कुल और क्लिक कर दीजिए दोस्तों रजिस्टर पे।
सॉरी नेक्स्ट पे। तो दोस्तों जैसे ही हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, हमसे पूछा जाता है हमारे एओ कोड, एरिया कोड और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है इनके बारे में तो आप दोस्तों अपने एओ कोड को सर्च जो है वो यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। आप लिख दीजिए इंडियन सिटीजन, उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा आपके स्टेट के बारे में, आपकी सिटी के बारे में। तो आप दोस्तों अपना स्टेट जो है वो चूज़ कर लीजिए। तो मेरा जो है वो हरियाणा, तो मैं हरियाणा चूज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपकी सिटी, सिक्योरिटी रीजंस के कारण दोस्तों मैं आपको सिटी जो है वो शायद नहीं दिखाऊंगा। आपको दोस्तों काफ़ी सारे जो है वो नीचे एड्रेसेस दिए होंगे, उनमें से आप कोई भी एड्रेस जो है वो दोस्तों चूज़ कर लीजिए, जो भी आपको नज़दीक लगे। तो आप एक जो है वो दोस्तों उसको चूज़ कर लीजिए। आपको यहाँ पर टिक बटन दिया होगा, उसको क्लिक करके और नेक्स्ट पे जो है वो दोस्तों आप नीचे दिया गया है उस पर जो है वो क्लिक कर लीजिए। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपसे डिक्लेरेशन मांगा जाएगा। तो आपका नेम दिया होगा दोस्तों, और उसके बाद जो है वो सिलेक्ट का ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आप किसके लिए बनवा रहे हैं, तो हिम सेल्फ या हर सेल्फ। और उसके बाद दोस्तों आपका प्लेस, कौन सा प्लेस है, तो दोस्तों आप जो वो प्लेस चूज कर लीजिए। अपना प्लेस डालने के बाद आपको दोस्तों क्लिक कर देना है दिए गए सबमिट बटन पे। जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं सबमिट बटन पे, प्रोसेसिंग होगी और आपका जो है वो आपको फिर से अपनी आपकी पूरी डिटेल जो है वो आपको दिखाई जाएगी। आप अपना आधार नंबर, नेम, नाम सब कुछ जो है वो दोस्तों आसानी से चेक कर लीजिए। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हो दोस्तों आसानी से चेक कर लीजिए, जहाँ पर जो है वो दोस्तों आपको सारी डिटेल्स आपकी जो है वो दी होगी। पिताजी का नेम जो है वो दोस्तों लिखते समय ध्यान रखिए कि आपको जो है वो उनका नाम जो है वो बाद में, पहले पहले नहीं लिखना है, उनका सरनेम लिखना है और उसके बाद जो है उनका नाम लिखना है। फर्स्ट और लास्ट नेम है जो दोस्तों चेक कर लीजिए, बिल्कुल नीचे की तरफ चले जाइए। उसके बाद दोस्तों आपसे जो आपके मोबाइल नंबर और बाकी चीज़ें आपको दिखाई जाएगी, तो आप दोस्तों आसानी से इनको देख लीजिए। और रेंज कोड दोस्तों आप जो है वो बिल्कुल देख पाएंगे, आपने जो एओ सेलेक्ट किया था वो। उसके बाद दोस्तों आपको जो है वो करना है ई केवाईसी पे चूज। उसके बाद दोस्तों आपको जो है एक पासवर्ड जो है वो रिसीव होगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो आपको एंटर करना होगा। आप क्लिक कर दीजिए प्रोसीड पे। जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं प्रोसीड पे, आप जो है वो पूछा जाएगा कि आप पेमेंट कैसा करने चाहते हैं, तो डिमांड ड्राफ्ट या फिर ऑनलाइन पेमेंट जो दोस्तों कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन चूज कर लीजिए। आप दोस्तों अपने नेट बैंकिंग के जरिए या दोस्तों अपने इंटरनेट एटीएम कार्ड के जरिए जो दोस्तों कर सकते हैं। 112 रुपये होंगे दोस्तों, और ट्रांजेक्शन चार्जेस यहाँ पर अलग से दिखाए हुए हैं, तो वो होंगे दोस्तों। आप एग्री पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पर इस डॉट पे, और प्रोसीड टू पेमेंट पे जो है वो क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं प्रोसीड टू पेमेंट पे, आपके सामने आपका ट्रांजेक्शन नंबर दिखाया जाएगा, तो आप पे कंफर्म पे जो है वो क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको जो है वो डायरेक्टली लेकर के जाया जाएगा आपके नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड के ऑप्शंस में। तो दोस्तों मैं चूज करता हूँ नेट बैंकिंग। आप दोस्तों अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या किसी भी जरिए जो है वो दोस्तों इसकी पेमेंट जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग चूज कर लीजिए, आप जिस बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं वो चूज कर लीजिए और मेक पेमेंट पे जो है वो क्लिक कर दीजिए। मैं स्टेट बैंक चूज करके जो है वो कर रहा हूँ इसका प्रयोग। अब दोस्तों आपसे पूछा जाता है आपके यूजर नेम और पासवर्ड के बारे में, तो आप अपना यूजर नेम जो है वो डाल दीजिए, पासवर्ड भी जो है वो दोस्तों डाल दीजिए। और दोस्तों आप क्लिक कर दीजिए लॉगिन पे। जैसे ही दोस्तों आप पासवर्ड और बाकी चीज़ें जो है वो डाल करके लॉगिन पे क्लिक करते हैं, आपके अकाउंट की डिटेल जो है आपको दिखाई जाएगी। आपका कितना पैसा चार्ज होने वाला है वो भी आपको दिखाया जाएगा। आप कंफर्म पे जो है वो क्लिक कर दीजिए। ऐसे में ध्यान रखिए दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट करते समय आपका मोबाइल नंबर जो आपके बैंक से लिंक्ड हो वो आपके पास और बिल्कुल ऑन अवस्था में होना चाहिए दोस्तों। तो हम लोग जो है वो बिल्कुल हमारा मोबाइल नंबर हमारे पास है, तो हम लोग दोस्तों जो है वो हम लोग क्लिक कर देते हैं कन्फर्म पे। जैसे दोस्तों क्लिक करते हैं हम लोग कन्फर्म पे, तो हमें दिखाया जाता है कि आज जो है वो हमने इस पेमेंट गेटवे से कोई भी जो पेमेंट है दोस्तों वो नहीं परफॉर्म की है। बाकी हमारी सारी डिटेल्स हमारे को यहाँ पर दिखाई जाती है। तो अब दोस्तों हम लोग कर देते हैं क्लिक दोबारा से कन्फर्म पे। जैसे दोस्तों हम क्लिक करते हैं कंफर्म पे, हमारे मोबाइल नंबर पे जो है वो दोस्तों हमें एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड जो है वो दोस्तों सेंड किया जाता है, जो हमें जो है वो इसके अंदर एंटर करना होगा। अगर दोस्तों आपको एसएमएस प्राप्त ना हो, तो दोस्तों क्लिक हेयर टू रीसेंड द एसएमएस जो है उसको आप चूज जो है वो कर सकते हैं।
तो हमारा एसएमएस जो हो दोस्तों हमें प्राप्त हो चुका है। डिजिटल कुछ अंक जो हो दोस्तों लगभग 6 अक्षरों की संख्या जो है वो हमें सेंड की जाएगी हमारे मोबाइल नंबर पे। तो हम दोस्तों उसको जो है वो यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद जो है दोस्तों क्लिक करेंगे कंफर्म पे। हमारा एसएमएस जो है वो दोस्तों काफ़ी सारे एसएमएस रिसीव होने के कारण जो है वो कहीं चला गया है। 1 सेकेंड हम दोबारा से चेक करते हैं अच्छे से हमारा एसएमएस जो है वो हमें प्राप्त हुआ कि नहीं। हम क्लिक कर देते हैं दोबारा दोबारा से दोस्तों क्लिक हेयर टू सेंड द एसएमएस। उसके बाद दोस्तों हम जो है वो वेट करते हैं एसएमएस के रिसीव होने का। हो सकता है दोस्तों अगर पेमेंट गेटवेज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो आपको जो है वो एसएमएस प्राप्त ना हो, कुछ समय में जो हो दोस्तों आपको प्राप्त हो। तो अभी जो दोस्तों प्रोसेसिंग जो है वो चल रही है, उम्मीद है हमें एसएमएस जो है वो दोस्तों आसानी से और अभी जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा एसएमएस जो है वो दोस्तों हमें प्राप्त हो चुका है, वो हम एंटर कर देते हैं। तो कुछ डिजिट्स का जो है वो हमें एसएमएस प्राप्त होगा, तो हम क्लिक कर देते हैं कंफर्म पे। हमारी पेमेंट जो है वो दोस्तों सक्सेसफुल हो गई है, यहाँ से बिल्कुल दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद दोस्तों आपको जो है वो वापस वहाँ पर लेकर के जाया जाएगा जहाँ से जो है वो दोस्तों आपने ऑनलाइन सर्विसेज के लिए अप्लाई किया था। यहाँ पर दोस्तों आपको रिफ्रेश या बैक जो या फिर क्लोज जो है वो दोस्तों अपने प्रोसेस को नहीं करना है। यहाँ से जो है वो दोस्तों आपको 1 मिनट या उससे कम समय जो है वो लगने वाला है। हो सकता है आपको 1 मिनट भी जो है वो लग जाए। दोस्तों इस समय कितने जो है वो लोग पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो है वो समय कितना लगने वाला है। दोस्तों ये देखिए आपको रिस्पॉन्स फ्रॉम बिल डेस्क दिखाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी कंप्लीटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है ट्रांजेक्शन्स, आपको ट्रांजेक्शन अमाउंट डेट सब कुछ दिखाया जा रहा है। दोस्तों अब क्लिक करना है हमें कंटिन्यू दिए गए बटन पे। कंटिन्यू पे जैसे ही दोस्तों हम क्लिक करते हैं हमारा जो है वो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हमारी काफ़ी सारी डिटेल्स हमें जो है वो यहाँ पर दोबारा दिखाई जाती है। तो हम दोस्तों क्लिक कर देते हैं यहाँ आई एग्री पे। उसके बाद दोस्तों क्लिक कर देते हैं ऑथेंटिकेट पे। दोस्तों जैसे ही क्लिक करते हैं हम ऑथेंटिकेट पे हमारा जो है वो ऑप्शन आता है कंटिन्यू विद ई केवाईसी या ई साइन। तो दोस्तों हम जो है वो इसको क्लिक कर लेते हैं, यानी दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पे हमें जो है वो एक एसएमएस प्राप्त होने वाला है। वो जो है वो दोस्तों हमें जो है वो यहाँ पर एंटर करना होगा, उसके अंदर जो एक कोड रिसीव होने वाला है वो। तो दोस्तों हमें जो है वो हमारा कोड अभी रिसीव जो है वो हो चुका है, जो कि आधार की तरफ से आने वाला है। दोस्तों मैसेजिंग ज्यादा होने की वजह से दोस्तों हमारे जो है वो कोड हमेशा कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो जाते हैं। अभी हम चेक कर रहे हैं बिल्कुल। अगर दोस्तों ओटीपी जो है वो रिसीव ना हो तो रीजनरेट ओटीपी भी जो है दोस्तों आप क्लिक जो है वो कर सकते हैं। इसमें कोई खास प्रॉब्लम जो है वो दोस्तों हमें नहीं होती है। कुछ सेकंड्स के लिए हम लोग कर लेते हैं वेट। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों ओटीपी वाज सेंड टू द मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस वैलिड फॉर 10 मिनट्स। इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड ओटीपी प्लीज क्लिक ऑन रीजनरेट ऑफ बटन। इफ यू वॉन्ट टू रजिस्टर ओटीपी बाई हैव 2 अटेम्प्ट्स लेफ्ट। दोस्तों आपको जो है वो 2 बार जो है वो मौके दिए जाते हैं आपको ओटीपी रिसीव करने के। अगर 2 बार में आपका ओटीपी नहीं आता है आपके पास तो आपको जो है वो दोस्तों बार बार मौके जो है वो नहीं दिए जाएंगे। तो दोस्तों हमारा जो है वो ओटीपी है 1 मिनट। हम ओटीपी जो है वो दोस्तों एंटर कर देते हैं और उसके बाद क्लिक कर देते हैं सबमिट बटन पे। जी हाँ दोस्तों आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर दीजिए और क्लिक जो है वो कर दीजिए सबमिट बटन पे। जैसे ही दोस्तों हम क्लिक करते हैं सबमिट बटन पे हमारे जो है वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है आगे की। और आगे की प्रोसेसिंग में दोस्तों थोड़ा सा समय जो है वो लगता है, लगभग 60 सेकेंड का वहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों आपका जो फॉर्म है दोस्तों वो ऑटोमेटिकली यहाँ से जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, आपको जो है वो शो कर दिया जाएगा आपकी विद फोटोज़। तो दोस्तों आपको आपकी फ़ोटोज़ भी दिखाई जाएगी, आपकी बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आधार से जो है वो आपकी ले ली जाएगी। आप अगर इस फॉर्म को जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों आप जो है वो यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड भी जो है वो दोस्तों कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल दिखाया गया है कि आने वाले 2 या 3 दिन में जो है वो आपका आधार जो है वो जनरेट हो जाएगा और कुछ समय में जो है वो आपका सॉरी आधार नहीं पैन कार्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा।
और आने वाले कुछ समय में आपको जो है वो आपका पैन कार्ड आसानी से जो है वो दोस्तों सेंड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप सीख पाए होंगे कि कैसे जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं पैन कार्ड के लिए। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे आपको एक लाइक बटन दिया है, आप उसको ज़रूर दबाइए। और दोस्तों वीडियो के साथ में सब्सक्राइब बटन दिया है, उसको क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में हम आपको इस तरह की खास जानकारियाँ देते रहें। इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो के अंदर एक शेयर बटन दिया हुआ है वीडियो के नीचे, आप उसको क्लिक करके फेसबुक, व्हाट्सएप, जीमेल, कहीं भी जाओ दोस्तों, आप इस जानकारी को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं, आपके रिलेटिव हैं या आपके बंधु हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, ताकि दोस्तों वो भी जान सके और वो भी जो है वो अप्लाई कर सके अपने पैन कार्ड के लिए, ताकि दोस्तों उनको इन फ्यूचर जो है वो किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, क्योंकि पैन कार्ड जो है वो हर किसी की ज़रूरत होती है। अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों तो भी आप अपना पैन कार्ड जो है वो बनवा सकते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो है दोस्तों कर लीजिए, कमेंट भी अपना डालिए दोस्तों कि आपको जानकारी कैसी लगी। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए दोस्तों और सीखते रहिए कैसे करें।